गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रैगन हाइट को यूज़ कर सकते हैं। ड्रैगन हाइट एक लॉन्ग रेंज ऑलराउंडर है जो अच्छा डैमेज डील करता है काफ़ी पर लॉन्ग रेंज से, पर ये बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना कम आ रहा है। तो इसी वजह से इसको बढ़ाने के लिए आउटरेज इस्तेमाल होती है। ठीक है, आउटरेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसकी रेंज बहुत छोटी हो जाएगी। उसका जो भी मूव होगा ना, उसके जैसे वो होता है ना एक बेसिक बूस्टेड अटैक से कूल डाउन रिड्यूस होता है, ऐसे आप इसका अनलिमिटेड मूव्स चला सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा डैमेज आता है। तो आउटरेज का ऐसा है कि आपने एक अटैक मारा, एक पे हील, एक पे स्टन और एक पे ज़्यादा डैमेज, ऐसा होता है। और एक्सट्रीम स्पीड आप जब भी मतलब आउटरेज आपने ऑन कर दी, समझ लें अभी आपको मेरे हेल्थ के नीचे एक बार दिख रहा होगा, ये जैसे ख़त्म हुआ ये स्टन होगी। पर आप इसे बगैर कूल डाउन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप आउटरेज को जैसे कि मारते इसको देखें ऐसे अगर आप करते रहेंगे क्लिक बटन के, तो आप ऐसे ही आउटरेज को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और देखें कितना ज़्यादा डैमेज आता है। आपने एक्सट्रीम स्पीड मारा, आउटरेज मारा, ठीक है, एक्सट्रीम स्पीड दोबारा आ गई, आउटरेज दोबारा आ गया। आप इसके साथ ड्रैगन डांस भी यूज़ कर सकते हैं, पर देखें इसकी रेंज बहुत कम है, आप देख सकते हैं। अब सिंडरेस आपको दूर से परेशान कर देंगे, तो इसी वजह से आप एक्सट्रीम स्पीड से समझ लेंगे सिंडरेस से आप इधर इसे पकड़ सकते हैं एक्सट्रीम स्पीड से। बाकी आप ड्रैगन डांस भी ले सकते हैं, और हाइपर भीम कभी नहीं खेलिएगा। हाइपर भीम मतलब वो 2000 का डैमेज देती है मुश्किल से, या फिर 1000 का ही डैमेज देगी वो, ऐसे ही कुछ देता है, तो उसके बहुत कम होती है। बाकी इस पे मैं बिल्ड इस्तेमाल करता हूँ मसल बैंड, रैपिड फायर स्काफ और स्कोप लेंस। मसल बैंड और रैपिड फायर स्काफ तो इसके बेसिक अटैक से ही डैमेज आता है, तो उसके लिए और क्रेड भी इसके बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने स्कोप लेंस लगाए। बाकी आप रैपिड फायर स्कार्फ को बड़ी बैरियर के साथ भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर वैसे तो मैं इस पर यही बिल्ड यूज़ करता हूँ। बाकी आप इसकी बात करते हैं यूनाइट मूव, देखें इसको बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी यूनाइट मूव की, जिसका अच्छा खासा डैमेज आ जाता है 2000 का। आप इसे भागने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, देखें 1600 का डैमेज आया। बाकी इसका बफ होता है यूनाइट मूव के बाद 20% शील्ड ऑफ मैक्स HP, 30% मूवमेंट इंक्रीज हो जाती और 30% कूल डाउन रिडक्शन हो जाता है इसका। काफ़ी अच्छी यूनाइट मूव है और आप भागने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी इसका 20% ये चार्ज होती है जब ये इस्तेमाल हो जाती है, और इससे आप काफ़ी किल निकाल सकते हैं आउटरेज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज आता है, और अगर आप इधर एक करीब करेंगे तो और ज़्यादा आएगा आउटरेज का डैमेज। ठीक है, कितना ज़्यादा डैमेज आ रहा है इसका, काफ़ी अच्छा डैमेज आता है, काफ़ी अच्छा पोकेमोन है ऑलराउंडर, और आउटरेज ही लीजिएगा। एक्सट्रीम स्पीड मतलब आप हाइपर भीम नहीं लीजिएगा, वो बहुत नर्फ है उसे, तो इसी वजह से आप उसे नहीं लेगा। और सो यही थी आज की हमारी गाइड वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।